पर चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग करने के बाद भागे दो बाइक सवार बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान थाना पुलिस के धरने दबोच लिया है। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बदमाशों से भारी मात्रा में तमाचे व कारतूस बरामद किए हैं। बुधवार को देर रात थाना मनोज कुमार के चहल व सुजोजनी चौकी के इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह शाजापुर मोड़ पर अपने हमराहों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे कि तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों आता देख पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग रोक दी थी, जिसमें पुलिस बार बार बच गई थी। फायरिंग के बाद बदमाश मसूरपुर शाहपुर में रोड पर मिल में गन्ना ट्रक यार्ड में और भागे तो पुलिस ने उन्हें फरार किया गया, जिसमें से बदमाशों के एक एक पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया है। पुलिस पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम कादिर पुत्र ताहिर सुमीर पुत्र अजमूल निवासी गुजोला थाना बुढ़ाना के मुजफ्फरनगर बताया। उनके पास एक बिना नंबर के सुजुकी हाइक बाइक मिली है और साथ न्यू ब्रांड के तमाचे 315 बोर एवं एक मुस्कट 315 बोर और 5 खोखे बरामद कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देखिए, ये थाना मंसूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस की चेकिंग चल रही थी जनपद मुजफ्फरनगर में, आज पूरे जनपद में ही चेकिंग चल रही थी। उस चेकिंग के दौरान दो बदमाशों ने, जब पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान फायर किया रिटेलिटरी फायर में। दो बदमाश इसमें समीर और कादिर जो हैं वो घायल हुए हैं। पूछताछ उनको दोनों को क्या कहते हैं CHC रेफ़र कर दिया गया है तत्काल उसके बाद। और अभी जो क्योंकि वर्तमान की घटना है तो वर्तमान में जो जितनी जानकारी हो पाई है उससे ये पता लगा है कि इन पे गौकशी के मुकदमे हैं, 302 के मुकदमे हैं। दोनों जौला गांव जो बुढ़ाना में पड़ता है वहां के रहने वाले हैं और इनके ऊपर क्या कहते हैं आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं। मौके से 7 असले बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 से फायर किया है इन्होंने। उसके अलावा 1 एंट्री मेड पिस्टल अलग से बरामद हुआ है, 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 5 खोखे बरामद हुए हैं और उसके अलावा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है अपाचे वाइट रंग की, जो अभी ट्रेस नहीं हो पाई है। संभवतः मोटरसाइकिल भी चोरी की है, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। उसके अलावा संपूर्ण क्षेत्र की कॉम्बिंग कराई जा रही है, रात्रि का समय है इसलिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। अगर और कोई चीज़ सामने निकल के आती है तो उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। कोई इनाम भी करेंगे? नहीं, ये इनाम नहीं है, ये अपराधी थे। बेसिकली पूर्व के मुकदमे हैं इनके ऊपर, क्योंकि पुलिस की चेकिंग चल रही थी। चेकिंग में जब क्या कहते हैं इनको रोकने का प्रयास किया गया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस